भगवान श्री राम जब कुटिया के पास आते हैं तो देखते हैं वहां जानकी माँ दिखती नहीं है। बहुत बेचैन हो जाते हैं, पूछते हैं पेड़ों से, पक्षियों से, लताओं से कि क्या आपने हमारी जानकी को देखा है कहीं। कोई बता नहीं पाता है। ढूंढते ढूंढते राम जी की भेंट जटायु से होती है और जटायु के माध्यम से सारा समाचार भगवान श्री राम को माँ जानकी के विषय में पता चलता है। अब यहीं तक हमारी कथा कल हुई थी। भगवान श्री राम को जब पता चल जाता है तो ढूंढने का क्या क्यों नाटक करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हे मानव लोग, इस बात को ठीक से समझो कि जीवन में अगर कोई बड़ा काम करना है तो आपको मिलजुल के करना चाहिए, अकेले कुछ भी नहीं होगा। आप देखेंगे भी भागवत कथा, राम कथा, जब कोई घरेलू इवेंट करते हैं तो उसमें 10-20 लोग आजू बाजू के लोग होते हैं, लेकिन जब सबसे आप सहयोग लेते हैं, सबका योगदान लेते हैं, तो सब लोग मिलजुल करके उस कार्यक्रम को और बड़ा करते हैं। और जो राम जी करने जा रहे हैं वो तो बहुत बड़ा काम है। अधर्म का नाश एक आदमी से नहीं हो सकता। रावण को मारना सिर्फ काम नहीं है, रावण के भीतर जितनी वृत्तियां हैं, रावण के जितने सिपाही हैं, असुर लोग, उन सबको सृष्टि से सदा सदा के लिए हटा देना है। वो सबकी मदद चाहिए, तब जाके संभव होगा। इसलिए भगवान चुपचाप अनसुना हो जाते हैं जटायु की बताई हुई बातों को और फिर ढूंढने का उपक्रम शुरू करते हैं।